पीछे देखी कोई चीज तो नहीं है? मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं सुजुकी मदनी मोटर पे एज अ सेल कंसल्टेंट काम करता हूँ। इसके अंदर जो जो सी भी चीज़ें एडजस्ट की गई हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास अगर ये बोनट ओपन होता है तो आप ये इसका रोड आप यहाँ पे अटैच करते हैं। इस साइड पे आपके पास रेडिएटर की बोतल आ जाती है, ये आपके पास ब्रेक ऑयल आ जाता है और ये जो सा है वाइपर शावर की बोतल आपके पास आ जाती है। बहुत ही कम जगह पे कंपनी ने इन चीज़ों को एडजस्ट किया हुआ है ताकि इसकी खूबसूरती बने। फ्रंट वाली साइड से आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके क्या उसका नाम है, इंजन तो इसका पैसेंजर सीट के नीचे आ जाता है, तो सामने वाली साइड पर सिर्फ यही दो चार चीज़ें एडजस्ट की गई हैं। ये आपके पास जो सा है ब्रेक ऑयल आ जाता है आपके पास, ये जो सा वाइपर शावर की बोतल आ जाती है आपके साथ। उसके अलावा इंजन एसी का रेडिएटर आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जबकि इसके मुकाबले में जो बलान था उसका सामने वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट था, जहाँ पे सामने वाली साइड पे कोई चीज़ नहीं थी आपके पास अवेलेबल। और इसमें जो से मुख्तसर चीज़ें कंपनी ने यहाँ पे एडजस्ट की हुई हैं। इसकी लाइट्स पे आ जाते हैं तो इसकी लाइट हैलोजिन लाइट अवेलेबल है इसमें, ये आपकी हैलोजिन लाइट्स आ गई जो कि एडजस्टेबल हैं ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी। उसके अलावा आपके पास पार्किंग लाइट आ जाते हैं, इंडिकेटर आ जाते हैं इसके। उसके फ्रंट वाली साइड पे बिल्कुल सादा लाइट आपके पास अवेलेबल होती थी, उसमें पार्किंग लाइट भी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ इंडिकेटर और सादा लाइट आपके पास अवेलेबल होती थी। पुलान और इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें फीचर्स जो थे वो थोड़े कम थे और इसमें फीचर्स बड़े ही ज़्यादा हैं। तो 660 सीसी में 43 हॉर्स पावर के साथ है, इसमें तीन सिलेंडर है, ठीक है, फोर स्ट्रोक ये गाड़ी है आपके पास आ जाती है और ये मुतबादिल है सुजुकी बुलान के। उसके अलावा मज़ीद इसके फीचर्स में बताता जाऊँ तो सिक्योरिटी फीचर्स में जो आपके पास है डुअल एयर बैग है, एक जो सा वो आपके पास ड्राइवर साइड पे आ जाता है, दूसरा पैसेंजर साइड पे आ जाता है आपके पास। उसके अलावा इसमें ABS ब्रेक भी है प्लस ABD। इसकी जो फीचर्स में और कुछ ऐड करते हैं तो वो इसमें पावर विंडोज़ हैं, जो दोनों पावर विंडोज़ हैं फ्रंट वाली दोनों आपके पास आ जाती हैं। उसके अलावा इसमें AC भी आपके पास आ जाता है। और इसके अलावा अगर इसमें कप होल्डर्स की बात की जाए तो इसमें चार कप होल्डर है टोटल आपके पास आ जाते हैं। ड्राइवर साइड पे दो आ जाते हैं और पैसेंजर साइड पे दो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। इस पे आपके पास आ जाती है रूफ लाइट आपके पास आ जाती है, डबल सनशेड आ जाते हैं आपके पास। और इसकी अगर आप ऊपर वाली साइड पे देखें तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन या फाइल्स वगैरह के लिए काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। सीटें वगैरह इसमें जो सी वो बिल्कुल कम्फर्टेबल, और कैरी डब्बे की मुनासबत से अगर इसे देखा जाए तो उसमें और इसमें फीचर्स में काफ़ी फ़र्क आ जाता है आपके पास। पावर विंडोज़ का फ़र्क आ जाता है आपके पास, उसके अलावा आपके पास AC हीटर का फ़र्क आ जाता है, उसके पास आपके पास ये इंफोटेनमेंट सिस्टम का फ़र्क आ जाता है जिसमें डुअल स्पीकर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। कैरी डब्बे की और इसकी कीमत में जो बात की जाए, कैरी डब्बा जो सा वो बंद हुआ है 1940,000 कंपनी प्राइस थी उसकी, और इसकी जो सी कंपनी प्राइस है और सुजुकी एवरी VXR की वो 27,99,000 प्लस फाइलर के टैक्स के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही इसके नीचे भी इस पैसेंजर वाली साइड के नीचे बिल्कुल नीचे इसका इंजन है, पर इंजन का जो फेस है वो नीचे वाली साइड को किया गया है इसका। और कैरी डब्बे का किधर? कैरी डब्बे का ऊपर वाली साइड पे था जिसकी वजह से उसमें हीट आती थी, उसमें AC का ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो आपको ज़्यादा हीटअप महसूस होता था। इसमें AC ऐसी वजह से आपके पास जो सा है ना उसकी हीट आपको ज़्यादा महसूस नहीं होती। पेट्रोल एवरेज पे आ जाते तो बहुत ही अच्छी है, जो कि 16 से 17 इंच सिटी है, और लॉन्ग पे तकरीबन आपके पास 19 से 20 आ जाती है। इसकी सस्पेंशन में बड़ा अच्छा फ़र्क है शौक की वजह से, इसकी सस्पेंशन बड़ी अच्छी है।